हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट मोमेंट की घड़ी आ चुकी है, एनडीए एग्ज़ाम आपके सर पे है। तो आपको मैं जो टिप्स हैं, लास्ट मोमेंट की जो टिप्स हैं वो दे दूं। सबसे पहले कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जितने बच्चों ने तैयारी करी है अपना मोरल डाउन मत करना बेटा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि कॉन्फिडेंस से यू कैन विन हाफ बैटल। ठीक है, तो ये आपकी खुद की लड़ाई है, यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी उसमें कम हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अच्छा, अब मैथ्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पहला पेपर आपका मैथ्स का होता है। ठीक है, तो मैथ्स के पेपर में बेटा अगेन उसमें आपके 300 आउट ऑफ 300 मार्क्स आपको नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये बता दूँ कि 25% मार्क्स हैं जो पासिंग मार्क्स हैं इंडिविजुअली, लेकिन अगर आप कम से कम अराउंड 50 क्वेश्चंस करते हैं आउट ऑफ 120 मैथ्स में, तो बेटा बहुत अच्छे आपके आपका स्कोर आ सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्कैनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही आप ऐसे नहीं कि पहला क्वेश्चन करना आप शुरू कर लें, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को स्कैन करना और जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको टिक करना। तो अराउंड अगर 40 to 50 क्वेश्चन भी आपने एकदम सही कर लिए, सो दैट्स इनफ। एंड रिमेंबर वन थिंग, देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आपने ज़्यादा भी नहीं करने हैं बेटा, ज़्यादा तुक्के मारोगे तो वो नेगेटिव चले जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स फेल क्योंकि वो तुक्का मारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुक्के वाला सिस्टम नहीं चलने वाला है, जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपको करने हैं। अच्छा, पेपर टू की बात करते हैं। पेपर टू इज़ जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें इंग्लिश भी है, उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी भी है, फिर साइंस भी है। तो याद रखना बेटा, इट्स अ कम्बाइंड पेपर। कभी बच्चों को डाउट्स रहता है कि कहीं सर इंग्लिश की सेपरेट कट ऑफ तो नहीं है या ज्योग्राफी की सेपरेट कट ऑफ तो नहीं है, मुझे सर केमिस्ट्री नहीं आती, कहीं सेपरेट कट ऑफ तो नहीं है। तो याद रखना बेटा, इट्स अ ओवरऑल पेपर, कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं है। सबसे अच्छी बात यह कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 600 नंबर का पेपर है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपने इंग्लिश के 50 क्वेश्चन ही कर ले तो 200 मार्क्स तो वैसे ही आ गए आपके। आपको पता है ना ओवरऑल कट ऑफ कितनी जाती है, 900 में से इस बार 338 मार्क्स गए थे, नॉट इवन 40%। तो 900 का अगर मैं 40% निकालूं तो अराउंड कितना आता है, 360। ठीक है, तो 40% भी कट ऑफ नहीं जाती बेटा। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपके पास पेपर आता है, जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं अराउंड अगेन 150 में से कम 85 to 90 क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट करना आप अपने जनरल एबिलिटी टेस्ट में। ठीक है, तो बेटा ये कुछ टिप्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। आपकी एनर्जी एकदम हाई होनी चाहिए, मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, नर्वस बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये एक छोटा सा इवेंट है आपकी लाइफ का, ऐसे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विल कम। ठीक है, और आपने आगे बहुत सारे और चांसेस आपको मिलेंगे डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने के। सो डोंट लूज होप, गिव योर बेस्ट, देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, उसको ध्यान पे रखना कि नेगेटिव मार्किंग है, मुझे ज़्यादा भी नहीं करने, जितने आते हैं उतने। तो एक बार फिर से बोल दूँ, मैथ्स में अराउंड आप 120 में से यू गो फॉर 50 क्वेश्चंस, एटलीस्ट कम से कम 50 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा तुक्के नहीं मारने। अगर मैं बात करूँ जनरल एबिलिटी टेस्ट के, तो अराउंड 150 में से आपके लगभग 80 to 90 या 85 to 90 क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है बेटा, and all the best to all aspirants of NDA. Okay.